एल्विन रियो मस्क एक ताजिर और सरमायाकार है। वो स्पेस एक्स के बानी, चेयरमैन, सीईओ और सीटीओ हैं, फरिश्ता सरमायाकार, सीईओ, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट और टेस्ला ईएनसी के साबिक चेयरमैन, एक्स कारपोरेशन के मालिक, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीटीओ, बोरिंग कंपनी और एक्स एआई के बानी, नेवरलिंक और ओपन एआई के शरीक बानी और मस्क फाउंडेशन के सदर। एल्विन रियो मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के इंतजामी दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में पैदा हुए। उसका खानदानी पस मंजर बरतानवी और पेंसिल्वानिया डिच नसब का इम्तिजाज है। इसकी वालिदा मै मस्क का ताल्लुक सास्केचुआन, कनाडा से है और उसके वालिद इरूल मस्क एक जनूबी अफ्रीका के इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, मल्ला और प्रॉपर्टी डेवलपर है। माली तौर पर आरामदेह माहौल में परवरिश पाने वाले एल्विन की परवरिश उसके वालिद की मुतनौवे तरबियत की वजह से हुई। पेशा वराना ताकुब और उसकी वालदा के मॉडलिंग कैरियर और माहिर गजाइत के तौर पर अपनी दौलत के बावजूद खानदान को कुछ हंगामा आराई का सामना करना पड़ा, जिसमें एल्विन के वालिदैन की 1980 में तलाक भी शामिल थी। एल्विन ने अपने छोटे भाई कंबल और बहन तोस्का के साथ अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा जनूबी अफ्रीका में गुजारा। इसकी इब्तदाई तालीम में वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्राइनसटन हाई स्कूल और आखिर में प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल, जहां से इसने ग्रेजुएशन किया। मस्क का तालीमी सफर उन्हें 1989 में कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी ले गया, जहां से हिजरत करने के बाद पेंसिल्वानिया से, जहां उसने वॉर्टन स्कूल से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रियां हासिल की। अगरचे इसने बताया है कि उसने अपनी डिग्रियां 1995 में मुकम्मल की, लेकिन उन्हें बाजाब्ता तौर पर 1997 में अता किया गया। अपनी यूनिवर्सिटी के सालों के दौरान मस्क ने कारोबारी जज्बे का मुजाहिरा किया, अपनी तालीम को फंड देने के लिए बड़ी पार्टियों का एहतमाम किया और यहां तक के कारोबारी मंसूबे भी तैयार किए गए। टेक्नोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ने उन्हें सिलिकॉन वैली में इंटर्नशिप की तरफ रागिब किया, जहां उसने तवानाई जखीरा करने और गेमिंग जैसे उभरते हुए शुबों से वाकिफियत हासिल की। 1995 में मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में कबूल किया गया, लेकिन उसकी बजाय इंटरनेट की बढ़ती हुई सनत में मौके से फायदा उठाने का इंतखाब किया। उसने एंटरप्रेन्योरशिप, शरीक बानी कंपनियों जैसे जैप दो, एक्स कॉम, बाद में पेपाल, स्पेस एक्स, टेस्ला और दीगर में कदम रखा, जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबार में सबसे ज्यादा बसीरतमंद और बासर शख्सियात में से एक के तौर पर अपनी साख को मजबूत किया। 1995 में एल्विन मस्क ने अपने भाई कंबल और ग्रेग कोरी के साथ मिलकर ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसे बाद में ज़िंप का नाम दिया गया। कंपनी बुनियादी तौर पर $2 लाख फिनांसिंग राउंड के जरिए माली इमदाद फराहम करती है, जिसका मकसद नक्शों, समतों और पीले सफहात के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड तैयार करना है, जो अखबारात को अपनी मरकजी मार्केट के तौर पर निशाना बनाता है। पालो आल्टो में किराए के एक छोटे से दफ्तर से काम करते हुए मस्क ने अपनी रातें वेबसाइट कोड करने के लिए वक्फ कर दी। बिलाखिर जैप दो ने न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसी बावकार इशातों के साथ मुआयदे हासिल कर लिए। कंपनी की कामयाबी के बावजूद मस्क को बतौर सीईओ अपने विजन को अमली जामा पहनाने में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। सिटी सर्च के साथ इंजमाम को मुस्तरद करने के लिए बोर्ड को कायल करने के बाद कंपनी की कयादत करने की उसकी ख्वाहिशात को नाकाम बना दिया गया। 1999 में कंपैक ने जैप दो को $307 मिलियन में हासिल किया, जिससे मस्क ने अपने 7% हिस्से से $22 मिलियन हासिल किया। इसके बाद मस्क ने ऑनलाइन मालियाती खिदमात और ईमेल की अदायगियों में कदम रखा। मार्च 1999 में एक्स कॉम की बुनियाद डाली, जिसमें जिप दो के हसूल से $12 मिलियन हासिल हुए। इब्तदाई कामयाबी के बावजूद उनकी कायदाना सलाहियतों के बारे में सरमायाकारों के तासुरात ने साल के आखिर तक बतौर सीईओ उनकी जगह ले ली। 2000 में कन्फिनिटी एक्स कॉम के साथ जम हो गया, एक ऐसा अकदाम जिसकी वजह से मस्क की सीईओ के तौर पर वापसी हुई। ताहम कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर की तरजीहात और तकनीकी मसाइल पर तनाजात के बाइस 2000 में उसका तख्ता उलट दिया गया। जमशदा इदारा, जिसका नाम बदलकर पेपाल रखा गया,
ऑनलाइन अदायगी की खिदमात में एक अहम कुव्वत बन गई, जिसे बिलाखिर ईबे ने 2002 में 1.5 बिलियन डॉलर में हासिल कर लिया। मसक के 11.72% हिस्स के हुसूल से इसे 175.8 मिलियन डॉलर मिले। डिजिटल दायरे में अपने मंसूबों के मुतवाजी, मसक ने खलाई तहकीक के अजाइम का सहारा लिया। 2002 में उसने स्पेस एक्स की बुनियाद $100 मिलियन अपने सरमाया से रखी, जिसका मकसद सस्ती रॉकेटों के साथ खलाई सफर में इनकलाब लाना था। इब्तदाई नाकामियों के बावजूद, नाकाम लॉन्चों और माली जिदोजहद समेत, स्पेस एक्स बिलाखिर मदार में रॉकेट भेजने और नासा के साथ मुआहदे हासिल करने में कामयाब हो गया। दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेटों और बैन सैयारों के सफर के लिए मसक के विजन ने स्पेस एक्स को खलाई तहकीक में सबसे आगे बढ़ा दिया है। मजीद बरा, मसक की कोशिशों का दायरा सैयारा के स्टारलिंक नक्षत्र के जरिए आलमी इंटरनेट तक रसाई फराहम करना है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसे यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान अहमियत हासिल हुई। मवासलाती मकासद के लिए मुल्क में स्टारलिंक टर्मिनल्स। टेस्ला ENC इब्तदाई तौर पर जुलाई 2003 में मार्टिन इबरहार्ड और मार्क टारपिनन के जरिए टेस्ला मोटर्स के तौर पर कायम किया गया था। एल्विन मस्क की शमूलियत के बाद इसमें नुमाया तब्दील। मस्क ने फरवरी 2004 में सरमायाकारी के सीरीज ए राउंड की क्यादत करने के बाद कंपनी में बतौर चेयरमैन शमूलियत इख्तियार की, 6.5 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की और इसका अक्सरियती शेयर होल्डर बन गया। इब्तदाई तौर पर रोजमर्रा के कामों के मुकाबले प्रोडक्ट डिजाइन में ज्यादा मुलव्वस होने के बावजूद, मस्क ने कंपनी के अंदर बढ़ते हुए तनाजात के बाद 2008 में CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट का किरदार संभाला। मस्क की क्यादत में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों की पैदावार से एक वसी रेंज में मुंतकली की। गाड़ियां बशमूल मॉडल एस सीडान, मॉडल एक्स क्रॉस ओवर, मॉडल 3 सीडान, जो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्लग इन इलेक्ट्रिक कार बन गई, मॉडल वाई क्रॉस ओवर और साइबर ट्रक पिकअप ट्रक। मस्क ने लिथियम आयन बैटरियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मुतअद्दिद गीगा फैक्ट्रियों के कयाम की भी निगरानी की। टेस्ला की स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी 2010 में अपनी इब्तदाई अवामी पेशकश के बाद बढ़ गई, 2020 में सबसे कीमती कार साज बनने और $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने जैसे संग मील तक पहुंच गए। 2021 में मस्क की ट्विटर सरगर्मी ने कभी कभार कानूनी जांच की तरफ रागिब किया, जिसमें 2018 में टेस्ला को प्राइवेट लेने के बारे में ट्वीट्स पर SEC की तरफ से मुकदमा भी शामिल है। इस तरह के चैलेंजों के बावजूद मस्क की क्यादत ने टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सबसे आगे बढ़ाया है। इसके अलावा मस्क की शमूलियत में तौसी सोलर सिटी के हुसूल के लिए, जिसे इसने ढूंढने में मदद की, और टेस्ला की बैटरी यूनिट के साथ इसके इंजमाम से टेस्ला तवानाई बना। जबकि इस अकदाम को तनकीद और कानूनी चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसमें टेस्ला के शेयर होल्डर्स की कीमत पर मस्क को फायदा पहुंचाने के दावे भी शामिल थे, मस्क ने अदालती फैसलों में कामयाबी हासिल की। टेस्ला के बाहर मस्क ने 2016 में नीवरालिंक की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिसका मकसद इंसानी दिमागों को मस्नूई जहानत से मरबूत करना था, ताकि असाबी इलाज के लिए हालात और इल्मी सलाहियतों को बढ़ाना। नीवरालिंक के जानवरों की जांच में जानवरों की बहबूद के बारे में तनकीद और खदशात के बावजूद, कंपनी ने सितंबर 2023 तक इंसानी आजमाइशों में तरक्की की है, जिसने टेस्ला से आगे मस्क की कोशिशों में एक अहम संग मील का निशान लगाया है। 2017 में एल्विन मस्क ने जेर जमीन सुरंगों की तामीर के जरिए नकलो हमल में इनकलाब लाने के विजन के साथ बोरिंग कंपनी की बुनियाद रखी। कंपनी का मकसद बड़े शहरों में जमीन के ऊपर ट्रैफिक की भीड़ को कम करना था, खुसूसी ज्यादा कब्जे वाली गाड़ियां जो जेर जमीन 150 मील फी घंटा 240 किलोमीटर फी घंटा तक सफर करने की सलाहियत रखती है। इब्तदाई मरहले में रेगुलेटरी इदारों के साथ बातचीत और स्पेस एक्स के दफातर के अहाते में एक टेस्ट ट्रीनच की तामीर शामिल थी। कंपनी का पहला प्रोजेक्ट लॉस एंजलस में एक सुरंग जिसकी लंबाई 2 मील से भी कम थी, 2018 में सहाफियों के सामने दिखाई गई। टेस्ला मॉडल एक्स गाड़ियां सुरंग ने जेर जमीन नकलो हमल के इम्कानात की एक झलक पेश की। ताहम रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि सवारी का तजुर्बा कुछ मुश्किल था, खास तौर पर कम रफ्तार पर।
जबकि बोरिंग कंपनी ने 2018 में शिकागो और वेस्ट लॉस एंजलस में सुरंगों के लिए मातोएकानकशी मंसूबों का ऐलान किया। दोनों मंसूबे बिलाखिर मनसूख कर दिए गए। ताहम कंपनी ने 2021 के अवाइल में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के नीचे एक सुरंग को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। मकामी हुक्काम से सुरंग के निजाम की मजीद तौसी के लिए मंजूरी हासिल की। मजीद बरा फोर्ट लॉडरडील फ्लोरिडा के लिए 2021 में सुरंग की तामीर की मंजूरी दी गई थी, जिससे मसक की नकलो हमल की जिद्दत तराजी के अकदाम के लिए मजीद पेशरफ्त हुई थी। ट्विटर में अपना हिस्सा मुसलसल बढ़ाने के बाद मसक ने अप्रैल 2022 में कंपनी को हासिल करने के लिए $43 बिलियन की बोली लगाई, जो बिलाखिर कामयाब रही। हुसूल के बाद मसक ने ट्विटर की क़यादत और पॉलिसियों में अहम तब्दीलियां की, जिनमें तस्दीक शुदा सार्फीन के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस का तारफ और मवाद की इतदाल में कमी शामिल है। ताहम ट्विटर के CEO के तौर पर उनका दौर तनाजात का शिकार रहा, जिसमें एतदाल पसंदी के तरीकों से मुतालिक उनके अंदरूनी दस्तावेजात को संभालने पर तनकीद और प्लेटफॉर्म पर नफरत अंगेज तकरीर में इजाफे के इल्जामात शामिल हैं। मुतनाज़ा वो अपने आप को फैसला साजी के अमल में गहराई से शामिल करने के लिए जाना जाता है, अक्सर अपने मुशीरों के मशवरे के खिलाफ और मातोएकानकशी अहदाफ तय करने और अपने मुलाजमीन से तवील घंटों की तवक्को रखने के लिए शोहरत रखता है, जबकि कुछ इसकी क़यादत की कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए तारीफ करते हैं, दूसरे इसके अंदाज को ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबा करने वाले और हमदर्दी की कमी के तौर पर तनकीद करते हैं। इन मिले जले तासुरात के बावजूद मसक के मंसूबे नकलो हमल से लेकर सोशल मीडिया तक की सनतों की तश्कील जारी रखे हुए हैं। एल्विन मसक की इंसान दोस्त कोशिशें उनके कारोबारी मंसूबों से आगे बढ़ी हैं, खास तौर पर मसक फाउंडेशन के साथ उनकी शमूलियत के जरिए, जिसकी बुनियाद उन्होंने 2001 में रखी थी। फाउंडेशन के बयान करदा मिशन में आफात ज़दा इलाकों में शमसी तवानाई से तवानाई के निज़ाम की फराहमी, इंसानी खलाई तहकीक, अतफाल काबिल तजदीद तवानाई और महफूज मस्नूई जहानत के साथ साथ साइंस और इंजीनियरिंग की तालीम को फरोग देने जैसे मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और वकालत की हिमायत करना शामिल है। ने बेशुमार अतियात दिए हैं, जिनमें से तकरीबन निस्फ का रुख साइंसी तहकीक तालीमी गैर मनफत तंजीमों की तरफ है। मुस्तफीद होने वालों में विकीमीडिया फाउंडेशन पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी, कस्तूरी का अल्मामीटर और बिग ग्रीन जैसी तंजीमें शामिल हैं, जिसे मसक के भाई कंबल ने कायम किया था। खास तौर पर 2002 से 2018 तक फाउंडेशन ने गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को बरह रास्त $25 मिलियन का तआवुन किया, जिसका एक अहम हिस्सा मसक के OpenAI को जाता है, जो इस वक्त एक गैर मनफत थी। 2012 में वो अपनी जिंदगी के दौरान अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा फलाही कामों के लिए अतिया करने का अहद करते हुए गिलगिट पल्ज में शामिल हुआ। उसने एक्स प्राइज फाउंडेशन में इनामात भी दिए हैं, जिसमें कार्बन कैप्चर की बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए $100 मिलियन का अवार्ड भी शामिल है। इन वादों के बावजूद मसक और उसकी फाउंडेशन को उनकी मजमूई मालियत के मुकाबले में अतिया करदा निस्बतन कम दौलत के लिए तनकीद का सामना करना पड़ा है। फोर्ब्स ने मसक को इंसान दोस्ती का कम स्कोर दिया, ये नोट करते हुए कि इसने इस वक्त अपनी मजमूई मालियत का 1% से भी कम दिया था। ताहम मसक ने चैरिटी के लिए $5.7 बिलियन मालियत के टेस्ला शेयर्स का एक अहम अतिया किया। ब्लूमबर्ग न्यूज ने इत्तला दी है कि ये तमाम अतिया उनकी अपनी फाउंडेशन को गया, जिससे इसके असासों में खातिर खा इजाफा हुआ। अपनी इंसान दोस्त कोशिशों के अलावा मसक ने हाइपर लूप के तस्वुर की तरक्की, OpenAI के जरिए मसनूई जहानत की तहकी और उसके निजी कामों में भी हिस्सा लिया। एरोस्पेस कंपनी SpaceX, उनके अमाल और बयानात बाज औकात तनाजात का शिकार हो चुके हैं, जैसे कि थाईलैंड में थाम लुअंग गार के बचाव में उनकी शमूलियत और एक बरतानवी गार से मुतालिक हक इज्जत का मुकदमा। मजीद बरा मसक के निजी जेट तैयारों के इस्तेमाल ने इसके माहौलियाती असरात पर तनकीद की है, हालांकि इसने मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाही बढ़ाने और पायदार तवानाई के हल को फरोग देने की कोशिशें भी की है।